यूथ सिटीजन काउंसिल के प्रधान डॉक्टर रमन गई की ओर से कोरोना वायरस के चलते व्यापारी वर्ग को अपील की गई है कि इस कुदरती आफत के मौके पर रोजाना घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को स्टोर ना करें, बल्कि उन्हें कम रेटों पर लोगों को दें। जो लोग रोजाना काम करके उन पैसों से अपना और अपने पूरे परिवार का पेट पालते हैं, वे कर्फ्यू के कारण घरों में बैठे हैं और उनकी सहायता करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अप्रैल के संदेश, जिसमें 9:09 पर घरों में लाइट बंद करके दिए और कैंडल की लाइट जलाकर जलाने का संदेश दिया गया है, उसको माने और अपने घरों में घी के दिए जलाएं या सरसों के तेल के दिए जलाएं। 5 अप्रैल को 9:09 पर। मैं डॉक्टर रमन कई, यू सिटीजन काउंसिल NGO का पंजाब अध्यक्ष, ये आम जनता नूं, देशवासियों नूं अपील करदा इस दुख की आपदा च, जो कि हिंदुस्तान के नाल नाल पूरे विश्व विच कोरोना के रूप में आई है। और मैं अपील करदा सारे बिजनेसमैन भरावां नूं, शॉपकीपरस नूं, कि इस दुख की आपदा च आपां स्टॉक ना करिए किसी भी समान का, और इनू जो कि ज़्यादा तो ज़्यादा मार्केट च घट रेट ते असी अवेलेबल कराइए। इस दुख की आपदा विच हर बंदा अपने घर च फ्री होके बैठा, मजदूर फ्री होके बैठा, वो तो कम नहीं, मिडल क्लास जिन्होंने हैंड टू माउथ से वह भी घर बैठे आ। और आपां कीमतां ना बदन दईए, करदा जरूरी समान रूटीन का सस्ते मुल ते अवेलेबल करा के इस दुख की घड़ी च अपना सहयोग दे भागी बनिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो सोशल डिस्टेंस की अपील की है कि सोशल डिस्टेंस असी लोग बना के चलीए, असी उत्ते साडा फर्ज बनता कि प्रधानमंत्री जी की इस अपील नूं असी काम करते हुए अपना घर बैठे आंढ गुआंढ च कितें भी आपां होईए अपना सोशल डिस्टेंस बना के चलीए। और जे ये आपां अपनी जिम्मेवारियां समझ के काम करिए तां उह दिन दूर नहीं गा, करोना इत्थों हिंदुस्तान च दौड़ेगा और भारत विश्व च नंबर 1 करोना नूं दड़ाण च आपदा मुक्त होकर अगे आएगा पूरे विश्व।